वन वेलकम टू कारण क्रंच इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशलॉजी हमारे इसमें थर्ड चैप्टर्स जो है फर्स्ट थर्ड कंप्लीट हो गए हैं करंटली हम अपना फोर्थ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमें थिंकर्स को डिस्कस करना है तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम परस्पेक्टिव से कॉल मार्क्स कवर हो गया है और हम अभी दुरखेम का सेकेंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फाइन तो जिसने अभी तक पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू गो थ्रू द प्रिवियस वीडियोज फर्स्ट देन कम टू दिस वीडियो अगर आप पहले से नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट इमाइल दुरखीम का जो लास्ट वाला वीडियो है जिसमें उनका इंट्रोडक्शन और फर्स्ट टॉपिक दैट इज ये सोशल फैक्ट्स डिस्कस किया गया है वो पहले आप जरूर देखें उसके बाद आप डिविजन ऑफ लेबर आपके लिए दुर्खीम की आइडियोलॉजी को समझना ईजी हो जाएगा ठीक है तो डिस्कस करते हैं डिविजन ऑफ लेबर देखो डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है इसको अगर हम पहले इस टर्म को डिस्क्राइब करते हैं ये मोस्टली आप इकोनमी में सुनते हो ठीक तो डिविजन ऑफ लेबर में होता क्या है बेसिकली आप एक बड़े काम को स्प्लिट करते हो अलग कामों में एक एक्टिविटी को आप स्प्लिट करते हो अलग एक्टिविटीज़ में ताकि फाइनली आप कोई गोल जो है वो अचीव करें अगर फॉर एग्जाम्पल हम टेक्सटाइल फैक्ट्री की बात करते हैं कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करता है ठीक है अगर आप वहाँ पे कॉटन क्लॉथ बना रहे हैं तो वो जो कॉटन है वो कहीं से आएगा पहले कहीं फार्मर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे ठीक है तो कहीं पे उसकी स्पिनिंग हो जाएगी कहीं पे उसकी वीविंग होगी ये सारे प्रोसेस होंगे फिर जो क्लॉथ है वो फैक्ट्री में पहुंचेगा बाद में उसकी डिजाइनिंग होगी फिर आप वो टेलर को देंगे और फाइनली आपका जो ड्रेस है वो बन के तैयार हो जाएगा तो दैट मीन्स एक काम एक गोल जो था ड्रेस बनाना वो अचीव करने के लिए आपने स्प्लिट किया एक्टिविटीज को छोटे छोटे एक्टिविटीज में उनको डिवाइड किया ठीक है अगर आप दूसरी एग्जाम्पल से समझे मोबाइल फोन आपको पता है एज इट इज एक बड़ा मोबाइल फोन नहीं बनता है कहीं पे इसका स्क्रीन बनता है कहीं पे इसका हार्डवेयर बनता है कहीं इसके सॉफ्टवेयर्स बनते हैं तो फाइनली असेंबल होके आपको एक मोबाइल फोन दिया जाता है तो इसको भी आप डिविजन ऑफ लेबर बोलेंगे लेबर जो भी इन्वॉल्व है इसमें स्क्रीन बनाने में हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में चार्जर में बाकी चिप्स वगैरह सब कुछ बनाने में उसको डिवाइड किया जाता है और फाइनली आपको एक प्रोडक्ट मिलता है तो वो डिविजन ऑफ लेबर है इसको यूजुअली हमने इकोनॉमी में अभी तक सुना होगा इकोनॉमी में इसको यूज किया होगा काम को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए इससे क्या हो जाता है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है जॉब ग्रोथ हो जाती है तो आप इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं लेकिन इमाइल दुर्खीम ने कहा था कि इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट सिर्फ नहीं है इसको आप एक सोशल फिनोमिना की तरह देखो क्योंकि डिविजन ऑफ लेबर घर में भी होता है कैसे आप देखो घर में भी काम डिवाइड करते हैं ना पापा ये काम करेंगे मामा ये काम करेगी भाई ये करेगा बहन ये करेगी तो एक डोमेस्टिक काइंड ऑफ डिविजन ऑफ लेबर है वो भी प्रेजेंट है दैट मीन एक सोशल लेवल पे भी आपको डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है तो इसको एक कंप्लीटली एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बोलना गलत होगा ये दुर्खेम का मानना था देखते हैं सर ने क्या लिखा है डिविजन ऑफ लेबर इसका बैकग्राउंड दुरखेम ने का क्या बन बताया अपीवल ऑफ फ्रेंच इन फ्रेंच सोसाइटी आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी एक केयस मच गया था क्योंकि अब आपकी जो पुरानी सोसाइटी थी वो 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 ट्रांजिशन दैट वॉज अंडर गोइंग ट्रांजिशन हम एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ आ रहे थे और जहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी की बात आती है तो वहाँ पर आप बोल सकते हो कम्पलेक्सिटी वगैरह बढ़ गई हैटिरोजिनस सोसाइटी बन गई पहले होमोजिनस थी ज़्यादा डिफ्रेंसीशन हो गई ठीक है ये सारी चीज़ें हो रही थी तो एक के ऑस सा मचा था सोसाइटी में पहले क्या होता था रिलीजन वगैरह आपको इट यूज़ टू होल्ड यू टुगेदर अब वो भी डिक्लाइन हो गया तो दुर्खेम का मानना था बोलना था मॉडर्न सोसाइटी में जहाँ डिफ्रेंसीशन हेटीरोजिनेटी कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ पे सोसाइटी को बाइंड क्या चीज़ करेगी कुछ चीज़ होनी चाहिए जो फिर भी सोसाइटी लोग जो है जितने ज़्यादा इंडिविजुअल डिफ्रेंसीेशन और हेटीरोजिनीटी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे उतनी लोगों की डिपेंडेंस एक दूसरे पे कम हो जाएगी और यूनिटी जो है वो कम होगी अब ऐसे में व्हाट होल्ड सोसाइटी टुगेदर उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डिजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो इनका वर्क था उसमें उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी ठीक है ये लिखा गया था एट अ टाइम वैन देअर वॉज अ वाइड स्प्रेड फीलिंग ऑफ मॉरल क्राइसिस इन फ्रांस ठीक है ये मैंने आपको बोला एंड दुर्खेम वॉन्टेड टू फाइंड अ सोल्यूशन ठीक है टू इट इन फॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग सोशल ऑर्डर बैक इन यूरोप अब देखो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये है ये मार्क्स ने भी डिस्कस की हैं ये केयर्स वगैरह सोसाइटी का मचना और डिविजन ऑफ लेबर या एलिनेशन का कॉन्सेप्ट ये मार्क्स ने भी डिस्कस किया लेकिन मार्क्स वॉज पेसिमिस्टिक अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को क्योंकि इकोनॉमिक टर्म्स में देखा वो कैपिटलिज्म वगैरह से रिलेट करके तो ही वॉज पेसिमिस्टिक अबाउट इट लेकिन जो ये है दुर्खेम है इन्होंने एक पॉजिटिव वे में डिवीजन ऑफ लेबर को एक्सप्लेन किया ऑल्दो इसका कुछ नेगेटिव भी उन्होंने बताया लेकिन मेजरली जो था ये ही वॉज वेरी ऑप्टोमिस्टिक अबाउट डिजन ऑफ लेबर मार्क्स जो था वो पेसोमिस्टिक था एंड ऑप्टोमिस्टिक थे, वो थे। उन्होंने ही रिजेक्टेड दूफ अर्लियर इकोनॉमि फिलोसलीडियो एंड यूटिलिटेरिस्ट और कहा डिविजन ऑफ लेबर जो है

फाइन इनका क्या था मानना हीडोनिस्ट और यूटिलिटेरियनस का हीडोनिस्ट किस पे ध्यान देते थे प्लेजर पे कहते थे वो काम करो जिसमें आपको अल्टीमेट प्लेजर मिले कि इंसान का जो गोल है लाइफ का वो इंडिविजुअल प्लेजर है जो यूटिलिटेरियनस था ये भी प्लेजर की बात करते हैं लेकिन ये कलेक्टिव गुडनेस की बात करते थे कि आपको प्लेजर देगा अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे ठीक है और हीडोनिस्ट थे जो इंडिविजुअल प्लेजर की बात करते थे अगर आपको बुक रीडिंग पसंद है आपको उससे मजा आता है तो आप बुक रीडिंग करो वो आपको प्लेजर देगा कर आपका अल्टीमेट एम लाइफ का अपना प्लेजर गेन

आप मानो पुरानी सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी ठीक है वहां पे होमोसेक्सुअलिटी जो है अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें टैबू था ठीक वो उस टाइम की मोरालिटी थी आज इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू मोरालिटी आज हम मॉडर्न मॉडर्निज्म की बात करते हैं मॉडर्निटी की बात करते हैं कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन हो रही है सोसाइटी की अब होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्टेंस मिल रही है तो, तो दैट मींस ये मोरालिटी कम नहीं हो गई है मॉडर्न सोसाइटी में जो पुरानी मोरालिटी थी इट हैज बीन रिप्लेस बाय न्यू मोरालिटी जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है जो मॉरल्स है वो चेंज नहीं हो रहे हैं मॉरल रिप्लेस बाय न्यू मॉरल्स पहले आप नहीं देख सक नहीं देखते होते ये व्यू कि लड़की बाहर सड़क पे सिगरेट पी रही है या ड्रिंक कर रही है पर अब ये व्यू जो है ये मेट्रोज में स्पेशली काफी कॉमन है और अब इसको एक्सेप्टेंस भी मिल रही है क्योंकि पुरानी मॉरलिटी जो है इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय रिप्लेस्ड बाय न्यू मॉरलिटी ये इनका मानना था इसमें ठीक है मैंने आपको बोला उनका वो बोलते थे सोशल फिनोमिना है डिविजन ऑफ लेबर तो इसका कॉज भी जो है वो सोसाइटी का ही होना चाहिए आपको सिर्फ इकोनॉमिक परसपेक्टिव से इसको एक्सप्लेन नहीं करना है डेफिनेशन में आप देख लो डी जो है डिवीजन ऑफ लेबर इन शॉर्ट फॉर्म डी ये इट इज़ स्प्लिटिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इन नंबर ऑफ पार्ट्स और स्मॉलर प्रोसेस अंडरटेकन बाई डिफरेंट पर्सन और ग्रुप्स ठीक है ये इंप्लाई करता है स्पेशलाइजेशन विद इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज और ऑक्युपेशन एज अ सोशल ऑक्यूपेशन डिफ्रेंसीेशन जो है वो सिम्बॉलिक ऑफ डिविजन ऑफ लेबर है ऑक्यूपेशन डिफ्रेंसिएशन क्या होता है देखो अगर आप स्पेशलाइजेशन है हर काम के लिए अगर आप को डॉक्टर के पास जाना है आपके आ, आ, गले में दर्द है या थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है तो आप ई e के पास जाओगे आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे जनरली कोई एक हो रहा है तो आप फिजिशियन के पास जाओगे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे ये ऑक्यूपेशनल डिफ्रेंसिएशन है ये भी एक फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर है जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में चल रहा है फाइन so पहले क्या होता था कोई वैद्य जी होते थे या कोई हकीम होते थे उनके पास जाके आप जड़ी बूटी ले आते थे हर चीज़ के लिए लेकिन अब ऐसा नहीं है ऑक्यूपेशनल डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट करती है आपके लिए हर चीज़ के लिए एक स्पेशलाइजेशन है हर चीज़ के लिए एक एक्सपर्टीज़ एक होल्ड करने वाला इंसान आपके पास है ठीक है तो उन्होंने कहा उन्होंने रिजेक्ट किया इकोनॉमिक एक एक्सप्लेनेशन ऑफ डिविजन ऑफ लेबर को अर्लियर एक्सप्लेनेशन जो है उन्होंने अंडरस्टूड किया था इसको इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एनहेंस प्रॉफिट जो जो इसको सिर्फ इकोनॉमी से रिलेट करते थे खेम ने कहा इट नॉट ओनली एग्जिस्ट इट इज नॉट ओनली एग्जिस्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लेकिन ऑल फेयर ऑफ लाइफ में फॉर एग्जाम्पल होम में भी आपको डोमेस्टिक डिविजन ऑफ लेबर मिलेगा देरफुल ये सोशल फिनमिना है इट इज नॉट अ प्योरली इकोनॉमिक फिनोमिना ठीक है अब दुरखेम ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया इनको इसने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया पहले मैं आपको समझाती हूँ बाद में हम ये चीज पढ़ेंगे ठीक है इन्होंने कहा जो पुरानी सोसाइटी थी देखो जो पुरानी सोसाइटी होती थी उसमें यूनिटी होती थी ठीक है नॉर्म्स एंड वैल्यूज बेस्ड सोसाइटी होती थी लॉज नहीं होते थे आपके कोई कोडिफाइड लॉज नहीं होते थे जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही था वही चीज सही मानी जाती थी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने कलेक्टिव कंसाइंस दैट मीन जो आपकी सोसाइटी होल्ड करती है वैल्यू शेयर्ड वैल्यूज उसी वैल्यू पे आपको चलना है ये आपकी पुरानी सोसाइटी थी इनका मानना था तब क्या होता था पॉपुलेशन कम थी इस पॉपुलेशन कम होने को इनने बोला मटेरियल डेंसिटी मटेरियल डेंसिटी मटेरियल डेंसिटी आपकी कम थी अब जब पॉपुलेशन कम थी तो लोगों का जो इंटरेक्शन था वो भी उतना ज्यादा नहीं था ठीक है तो मॉरल डेंसिटी भी लो थी फाइन अब देखो अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पुरानी सोसाइटीज में तो इंटरैक्शन ज्यादा होता था तो आपका मॉरल डेंसिटी लो कैसे हुआ देखो इंटरेक्शन यहाँ पे क्या मतलब हुआ मॉरल डेंसिटी लो पुरानी सोसाइटीज में ठीक है देखो इसका क्या मतलब हुआ अगर आज आप किसी एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं आप करियर वाइज कहीं भी हैं तो आपके लिए आ... कम्युनिकेट करना आपके फ्रेंड को काफ़ी इजी हो जाएगा ना आप फोन करोगे व्हाट्सएप कॉल करोगे कि मैं ये कर रहा हूँ चाहे आपका फ्रेंड फॉरेन में भी हो लेकिन पुरानी सोसाइटीज़ में क्या होता था ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना फास्टर नहीं था ओल्डर सोसाइटीज़ थी लोग चिट्ठियां लिखते थे तो उस वजह से इंटरेक्शन जो है वो कम लेवल का रह जाता था अगर आप नेट कम्युनिटी में रह रहे हो बस वही लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं बाकी क्या हो रहा है ये चीज़ें आपको नहीं पता चलती थी इसीलिए मॉरल मटीरियल डेंसिटी दोनों कम थे तो जैसे हम मॉडर्न सोसाइटी में गए आपकी मॉरल डेंसिटी भी बढ़ गई पहले मटेरियल डेंसिटी बढ़ गई पॉपुलेशन बढ़ गया आपस में जो कम्युनिकेशन है वो भी बढ़ गया ठीक है अब इन दो के बढ़ने की वजह से क्या हुआ देखो फॉर एग्जाम्पल आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अब आपके चालीस फ्रेंड्स हैं चालीस फ्रेंड्स को आपने बोला आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो चालीस फ्रेंड्स चाहेंगे कि वो भी प्रिपेयर करें वो भी फॉर्म भरे चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी फॉर्म भरे तो इस वजह से क्या हो गया क्योंकि इंटरेक्शन हो रही थी ना अब चाहे आपका फ्रेंड फॉरेन में आप उसको फोन करो फॉरेन में हो सकता है वो फॉरेन की जॉब छोड़ के आ जाए और ऐसा हुआ भी और यहाँ आगे यूपीएससी की तैयारी करना शुरू हो जाए ठीक है तो एक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ रही थी फाइन इस कॉम्प्लेक्सिटी को फिर किसने रोका डिविजन ऑफ लेबर ने डिफरेंसीशन ने आपके पास सिर्फ नेट का ऑप्शन था तो 20 लाख स्टूडेंट सिर्फ नेट का एग्जाम दे रहे थे अब आपके आधे फ्रेंड्स नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आधे टेंथ प्लस टू लेक्चर पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है आधे आपके यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आधे स्टेट पी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो डिविज़न ऑफ लेबर बन गया जो डिफरेंसीशन बन गई इससे क्या हो गया जो ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी वो कम हो गई क्योंकि अब लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा आ गए ठीक है तो एक ट्रांजिशन में हम गए मैकेनिकल सॉलिडारिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में ये जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है ये मॉडर्न सोसाइटी <coughs> का कॉन्सेप्ट है ठीक ये हम एक ट्रांजिशन में गए और ये ट्रांजिशन किसकी वजह से हुआ आपका मटेरियल डेंसिटी और मॉरल डेंसिटी बढ़ने की वजह से जिसको बोला जाता है डायनेमिक डेंसिटी अब यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी होंगी जो हम पढ़ते हैं उससे पहले ये रेज कर देते हैं एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिविजन ऑफ लेबर उन्होंने एम्प्लॉय किया एवोल्यूशनरी परसपेक्टिव एवोल्यूशनरी मीन्स आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में गए ठीक है जैसे विद टाइम आपकी मैकेनिकल सॉलिडारिटी कम होती गई जब आप टाइम में आगे चले गए मानो नाइनटीन ये एटीन हंड्रेड्स का टाइम था ये नाइनटीन हंड्रेड्स का टाइम ये टू थाउजेंड्स का टाइम ठीक है मैकेनिकल सॉलिडारिटी कम होती गई और विद टाइम आपकी

ये वीक हो गए हैं एंड स्ट्रेंथ ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस इज ऑल्सो वीक क्योंकि अब आप, आपके पास क्या है यहाँ पे कोडिफाइड लॉज वगैरह हैं आपको रेगुलेट करने के लिए प्रमेटिव सोसाइटी सेगमेंटरी नेचर जहां पे पीपल यूज टू लिव इन इंडिपेंडेंट सेगमेंट्स के हर कोई अपना काम कर रहा है ऐसा ये इंटर नहीं है आपको कामों को लेके हर कोई अपना अपना काम कर रहा है लाइफ सिंपल थी लोग सिंपल एक्टिविटीज स्मॉलर एक्टिविटीज करते थे कलेक्टिव कॉन्शियस काफी स्ट्रांग था दुर्खेम ने इसको क्या कहा मैकेनिकल सॉलिडारिटी दैट इज सॉलिडारिटी ड्यू टू लाइकनेस और सेमनेस वो सॉलिडारिटी है क्योंकि हर कोई जो है मतलब एक काइंड दूसरे से रिलेटेड है ठीक है उतनी ज़्यादा डिफरेंसीशन नहीं है हर कोई अपना काम कर रहा है और किसी में वो कॉम्पिटिशन वाला जो स्ट्रीक है वो जो कॉम्पिटिशन स्ट्रगल है वो सोसाइटी में नहीं है इन सोसाइटी ये सोसाइटीज़ काफ़ी रिलीज़स होती हैं काफ़ी कम स्पेशलाइजेशन है डिफरेंसीशन काफ़ी कम है इस वजह से लाइकनेस और सेमनेस भी है पीपल लिव टुगेदर फाइनली लॉज जो है उनको रिप्रेसिव बोला जाता है ऐसी सोसाइटी में रिप्रेसिव देखो ये दो तरीके के लॉज होते हैं एक आपके रिप्रेसिव लॉज हैं और यहाँ से आपके रेस्टिट्यूटिव लॉज होते हैं मॉडर्न सोसाइटी में इनको रेस्टिट्यूटिव या रिफॉर्मेटिव लॉज बोला जाता है रिप्रेसिव लॉज जो होते हैं वो सोसाइटी आपको कर्ब करने की कोशिश करती है ठीक है रिप्रेसिव सोसाइटी आपको कर्ब करने की कोशिश करती है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो आपको खत्म ही कर देगी चाहे आपको सोसाइटी से बाइकआउट किया जाए या सोशल बाइकआउट ऐसी सारी चीजें होती हैं लेकिन रेस्ट्रिक लॉज यहाँ पे क्या होता है अगर आप किसी को जेल में भी डालते हैं क्रिमिनल में तो वहाँ पे उनकी कंडीशनिंग होती है उनके एक तो वो एक्टिविटीज भी करते हैं काम भी करते हैं उन जेल के अंदर पैसे भी कमाते हैं साथ में उनको रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है इसीलिए कुछ साल के बाद उनको फिर जेल से रिलीज किया जाता है ताकि वो नॉर्मली दोबारा अपनी जिंदगी जी पाए लेकिन पुरानी सोसाइटीज में क्या होता था एक बार ही आपने कुछ गलत काम किया तो आपके माथे पे जिंदगी भर के लिए ठप्पा लगेगा और लोग फिर आपको एक रिफॉर्म होने का जो चांस है वो नहीं देंगे इसीलिए पुराने जमाने के लॉज को रिप्रेसिव बोला जाता है और नए जमाने के लॉज को रेस्टिट्यूटिव ठीक है फाइनली लॉज जो थे वो रिप्रेसिव थे एंड जो थी सोशल नॉर्म्स थी वो मस्त थी एंड देर्स ए मिनिमम डिविएशन डिविएशन का स्कोप ही काफी कम था पॉपुलेशन लो थी दैट मीनस मटीरियल डेंसिटी लो एंड फर्दर मॉरल डेंसिटी भी लो दुर्खेम ने कहा था जो कॉज ऑफ ट्रांजिशन था फ्रॉम मैकेनिकल टू सॉलिडारिटी वो डायनामिक डेंसिटी में था ठीक है ये मैंने एक्सप्लेन कर लिया डायनामिक डेंसिटी क्या होता है जब आपकी मॉरल डेंसिटी और मटीरियल डेंसिटी दोनों आपकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी दैट मीन्स डायनेमिक डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो उस वजह से आपका क्या हो जाएगा एक ट्रांजिशन हो जाएगी मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में विथ टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई मटीरियल डेंसिटी बढ़ गई इंटरेक्शन इंक्रीज हो गया मॉरल डेंसिटी बढ़ गई एक सिचुएशन ऐसी आई व्हेन देर इज हाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स के पास अब एक्सेस है टू द एक्टिविटीज प्रिवेलिंग इन अदर सेगमेंट्स ठीक है उसको पता है कि दूसरा भी क्या कर रहा है पहले ये चीजें उतनी जैसे एक गाँव में क्या हो रहा है ठीक है दूसरे गाँव में लोग क्या कर रहे हैं वो चीज़ नहीं पता होती थी इस वजह से दूसरे गांव पे वो डिपेंडेंस जो थी या दूसरे ग्रुप के लोगों पे डिपेंडेंस थी वो कम थी इसीलिए लाइकनेस और सेमनेस बोला जाता है क्योंकि स्पेशलाइजेशन डिफ्रेंसेशन काफ़ी कम थी इट रिजल्ट इंटर कॉम्पिटिशन और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन ठीक है क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी जैसे मैंने आपको आपका फ्रेंड भी फॉरन में जॉब छोड़ के आ गया अब आपके पास वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है फाइन लेकिन अब ये सारे कंपटीशन बढ़ाएगा ये सब चीज़ों को सारे आके यूपीएससी की तैयारी करेंगे फिर इसका रिजल्ट किस में आ गया स्पेशलाइजेशन डिफरेंशिएशन में आपके पास सिर्फ यूपीएससी नहीं है आपके पास ग्रुप बी सी डी की पोस्ट है ठीक है आपके पास काफी सारे एग्जाम्स हैं नेट का एग्जाम है लेक्चर बाकी सारे ये लो, लोकल लेवल पे जो रीजनल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं तो डिफरेंशिएशन बढ़ने से जो जो कॉम्पिटिशन क्रिएट हुआ था वो कम हो गया वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिटेस्ट सर्वाइव्स एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन में वाइल द अनफिट क्रिएट्स न्यू ऑक्यूपेशन

रिजल्ट एट रिसोर्स इंक्रीज मेकिंग द कॉम्पिटिशन ओवर मोर पीसफुल ठीक है जैसे मैंने आपको कहा डॉक्टर पहले सिर्फ अगर आपके पास एक वैदी होता था वो आपको सारी दवाइयाँ देता था उतनी एफिशियंसी नहीं थी वो वैदजी आपका गला भी ठीक करे पैर भी ठीक करे सर भी ठीक करे कैसे पॉसिबल है अब स्पेशलाइजेशन है गले के लिए अलग पैर के लिए अलग सर के लिए अलग आँखों के लिए अलग भाड़ियों के लिए अलग वीन्स के लिए अलग ठीक है तो इस वजह से क्या हो गया एफिशिएंसी बढ़ गई जो सोसाइटी है इट इज़ नाउ बेस्ड ऑन हटिरोजिनिटी ऑफ रिलेशनशिप्स मॉडर्न सोसाइटी में कलेक्टिव कॉन्शियंस वीक है एंड हैंस बाइंडिंग फोर्स इज आल्सो वीक सुप्रीम वैल्यू जो है इज अटैच टू इंडिविजुअल दुर्खेम ने ऐसी सोसाइटी को बोला बींग बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी दैट इज सॉलिडारिटी बेस्ड ऑन डिफरेंसेज एंड डिपेंडेंसी डिफरेंसेज पे बेस्ड है क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है डिपेंडेंसी दो स्पेशलाइजेशन है लेकिन अभी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है पाइन क्योंकि जैसे अगर आप मोबाइल अगेन वो एग्जांपल है मोबाइल एंड टेक्सटाइल फैक्ट्री की हर कोई काम अगर हर सिर्फ मोबाइल का स्क्रीन बना के तो नहीं बैठ जाएगा ना जो स्क्रीन वाला है वो बाकी इन पे डिपेंड होगा बाकी लेबर्स के काम पे ठीक है तो हर कोई एक दूसरे की जो इंटर डिपेंडेंस है वो चीज़ बढ़ गई क्योंकि डिविजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आ रहा है आपने एक काम को डिवाइड किया है आपने एक गोल को डिवाइड किया है दस छोटे कामों में तो दस छोटे काम जो लोग कर रहे हैं या दस छोटी एक्टिविटीज़ हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हो गई तभी एक वाला गोल अचीव हो सकता है ठीक विद इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन मटीरियल मॉल डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज डिविजन ऑफ लेबर पीसफुल सोलूश टू द नीड्स क्रिएटेड द इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी इन द दबसेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियस इट इंटीग्रेट्स द मॉडर्न सोसाइटी कलेक्टिव कॉन्शियस तो है नहीं जैसे पुरानी सोसाइटी में था तो सोसाइटी को क्या बाइंड करके रखता है डिविजन ऑफ लेबर ये मैंने आपको स्टार्टिंग का जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तब कहा था कि वट होल्ड्स द सोसाइटी टूगेदर ठीक लॉज रिफॉर्मेटिव रेस्टिट्यूटिव है एंड सोसाइटी सेक्यूलर है उन्होंने फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिविजन ऑफ लेबर बताए थे इंटीग्रेट करता है सोसाइटी को ठीक है मैंने आपको बोला इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है और इंडिविजुअल अटोनमी फॉर द इंडिविजुअल इंडिविजुलॉर्ड टू दुर्खे मॉडर्न सोसाइटी जो है बेस्ड अपॉन मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्ड एंड सर्विसेज जो नीड्स ऑफ पीपल है देआर इंक्रीजिंग एंड लीड टू फर्दर स्पेशलाइजेशन स्पेशल इंडिविजुअल आर नाउ रिलेटिवली फ्री एंड हैंड्स हैव बेटर फ्रीडम टू इनोवेट दस डिवीजन ऑफ लेबर ग्रांट्स अटोानी टू द इंडिविजुअल क्योंकि अब आपके पास ऐसे लोगों की नीड्स बढ़ गई तो आपके काम भी बढ़ गए अकॉर्डिंगली तो लोगों के पास अब अटोनमी है वो जो चाहे वो कर सकते हैं पहले क्या था ऑप्शंस काफ़ी कम थे फार्मर का बेटा फार्मर ही बनता और यूजुअली सारे हम अभी भी इंडिया एग्रीकल्चर तो सोसाइटी है तो फार्मिंग के साथ ज़्यादा लोग रिलेटेड थे लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे अब लोगों के पास ऑप्शन हैं अब लोग सिटीज में आते हैं कोई कोई काम कर रहा है या लोग क्रिएटिविटी की तरफ काफ़ी जाते हैं क्रिएटिव आर्ट में कितनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो गई है हर चीज़ के लिए आपके पास एक कोई स्पेशलिस्ट uh, होता है आप कोई भी काम करवा सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिविजुअल फ्रीडम जो है ऑटोनमी इंडिविजुअल को काम करने की वो बढ़ गई दुर्खेम ने कहा था इंडिविजुअल वाइल्ड बिकम्स ऑटोनमस कम्स टू डिपेंड मोर हैविली ऑन सोसाइटी क्योंकि आपको याद रखना होगा दुरखेम का कॉन्सेप्ट था सोसाइटी सुई जेनरस है कि पहले सोसाइटी है उसके बाद इंडिविजुअल है ऑल दो इंडिविजुअल ऑटोनोमी मिल रही है लेकिन अभी भी वो सोसाइटी पे ही डिपेंडेंट है डिविजन ऑफ लेबर कहाँ से आपको प्रोवाइड होती है वो आपको सोसाइटी से प्रोवाइड होती है इट फुलफिल्स डुअल नीड ऑफ बोथ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी ये जो डिविजन ऑफ लेबर है ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड कर रहा है और सोसाइटी को इंटीग्रेट भी कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे पर डिपेंड भी हो रहे हो ठीक है अब देखो जब कोई गोल्ड स्मिथ की एग्जाम्पल ले लो अगर गोल्ड स्मिथ है उसके पास एक इंडिविजुअल फ्रीडम है उसकी अपनी दुकान है वो ज्वेलरी बेच रहा है लेकिन डिजाइनिंग के लिए वो किसी पे डिपेंडेंट है तो डिविजन ऑफ लेबर ने कहीं अगर उसको ये अटोनमी दी कि वो अपनी दुकान चलाए तो ये इंटीग्रेशन भी दिया कि वो एक कारीगर पर डिपेंड है डिजाइनिंग के लिए अपनी ज्वेलरी की ठीक है तो ये सारी एग्जाम्पल्स से चीज़ क्लियर हो जाएगी ये था अभी तक का पॉजिटिव उन्होंने कुछ नेगेटिव भी बताया इसका सोशल सॉरी uh, इसका डिविजन ऑफ लेबर का उन्होंने कहा डिविजन ऑफ लेबर का एक एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल स्टेट में भी डिविजन ऑफ लेबर जाता है तो तीन फॉर्म्स ऑफ एबनॉर्मल डिविजन ऑफ लेबर उन्होंने कहे जब डिवीजन ऑफ लेबर एक नेगेटिव रूप लेने लगता है वो एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर बन जाता है तो वो कब कब बनता है कौन कौन सा फॉर्म है एबनॉर्मल डिविजन ऑफ लेबर का पहले हो गया एनॉमिक डिविजन ऑफ लेबर एनॉमिक क्या होता है स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस इन सोसाइटी ठीक है जब कोई नॉर्म नहीं होता है फाइन इट इज़ अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस इन अचुएशन इन विच पीपल इन जनरल डोंट फॉलो नॉर्म्स अटैच टू द एक्टिविटीज फाइन तो लोगों को जो भी नॉम्स uh, एसोसिएटेड है उनकी एक्टिविटीज़ का लोग वो फॉलो नहीं करते हैं एक आपकी कोई आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ का ना गवर्नमेंट का ना एल्डर्स का ना रिलीजन का कोई भी नहीं तो एक नॉर्मलेसनेस वाली सिचुएशन आती है सोसाइटी में उन्होंने कहा था जो अनचेक्ट डिविजन ऑफ लेबर है और रैपिड एक्सपेंशन है इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इट लीड्स टू इनॉमी एज सोशल कंट्रोल्स आर वीक ठीक है डिजन ऑफ लेबर आप देखो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रेपिडली एक्सपैंड हो रही है बहुत ज्यादा जो चीजें हैं उनको प्रोड्यूस करनी है इस वजह से डिविजन ऑफ लेबर जो है वो एक्सट्रीम लेवल का हो रहा है अनचेक डिविजन ऑफ लेबर हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इनॉमिक डिविजन ऑफ लेबर जब वो होने लगे कि जहां पर अगर आपको एक काम को दस लोगों में डिवाइड करना हो लेकिन आप ऐसे काम लेके आ रहे हो कि उसको आप पचास लोगों में डिवाइड करना पड़ रहा है तो एक अनचेक डिविजन ऑफ लेबर वाली सिचुएशन आ जाती है ये यूजुअली कब होगा जब आपकी इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो कर रही होगी और आप उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रहे होगे ठीक है उस इकोनॉमी के साथ आपकी जो जितना जिस लेवल का डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो कीप अप नहीं करवा रहा है कर पा रहा है वो एक्सट्रीम लेवल का डिफरेंशिएशन हो रहा है फाइन तो इन्होंने उसको डिसफंक्शनल बताया था इट जनरली हैपन ड्यूरिंग ट्रांजिशन फेजेस फॉर एग्जांपल शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिकल सॉलिडारिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी अब देखो यूरोपियन सोसाइटी में जैसे हुआ हम एक फ्यूडलिस्टिक से कैपिटलिस्टिक की तरफ शिफ्ट हो गए ठीक है तो एक नॉर्मलेसनेस काइंड ऑफ आ गई क्योंकि अभी आप जिस स्टेज में जा रहे हो आपको उस स्टेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एक अनचेक्ड सोशल ऑफ लेबर एक डीरेगुलेशन सी सोसाइटी में आ जाती है जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हो एक इकनॉमिक डिविजन ऑफ लेबर सोसाइटी में लेके आते हो यूजअली कब होता है जब इकोनॉमिक पेस आपकी बहुत फास्ट होती है एंड मोर रेगुलेशन इज अनेबल टू की इट लीड्स टू इनमिक और पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर ठीक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो डिजायर है वो अनलिमिटेड हो जाती है ट्रेडिशनल सीलिंग ऑन दम डिस इंटरेट सीडिंग टू इनमी न्यू मॉरल जो है ऑन वट मैन कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली रैपिड चेंज बट द स्पेशाइज डिविजन ऑफ लेबर इट्स सेल्फ ऑल्सो प्रोड्यूस इनोमी एज इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअलिज्म अब देखो इसका क्या मतलब हुआ आपकी डिजायर्स इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं वो अनचेक्ड रह जाती हैं ठीक है वो अनमेट रह जाती हैं आपकी डिजायर्स और अगर आपका सोसाइटी इतनी जल्दी ट्रांजिशन में आ रही है आपको इतना स्पेशलाइज डिविजन ऑफ लेबर चाहिए तो इंडिविजुअलिज्म और आपका सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो सारी चीजों को आप सोसाइटी से ऊपर रखना शुरू हो जाओगे ठीक है और उन चीजों में क्या होता है आपकी जो सोशल यूनिटी है वो खत्म हो जाती है अगर इसके जो सिम्टम्स ऑफ एस अनोमी के हैं वो आप हाई रेट्स ऑफ सुसाइड मैरिटल ब्रेकअप एंड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में देख सकते हो क्योंकि यूजुअली इन्हीं चीज़ों में ऐसा होता है कि जब आप इंडिविजुअल जो सोसाइटी को जब ऊपर रखना शुरू कर देते हो एक्सट्रीम डिविजन ऑफ लेबर की वजह से तो आपकी जो सोसाइटी की यूनिटी है वो सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है वो खत्म होना शुरू हो जाता है फाइन अब मार्क्स ने क्या कहा था एक रेडिकल सोल्यूशन दिया था टू द प्रॉब्लम ऑफ एलिनेशन कहीं ना कहीं रिलेटेड है एलिनेशन के कॉन्सेप्ट से भी तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है दैट कैन बी फाउंड इन द एक्स्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी सेल्फ इंटरेस्ट को आप रिप्लेस करो बाय कोड ऑफ एथिक्स विच नीड ऑफ द सोसाइटी ए होल तो प्रॉब्लम ही ये सेल्फ इंटरेस्ट को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो सोसाइटी के इंटरेस्ट से इस चीज को फिर से रिवर्स करो तो आप इसको चेक में रख सकते हो ठीक है तो ये था इनका एनॉमिक डिविजन ऑफ लेबर अब इन एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन और पोरली कॉर्डिनेटेड डिविजन ऑफ लेबर डिविजन ऑफ लेबर में कॉर्डिनेशन और इंटीग्रेशन वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर लोग आप काम डिवाइड कर रहे हो उनके बीच में वो ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड प्रॉपर्ली होना चाहिए अगर वो नहीं होता है तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जनरेट हो जाएंगे इन दिस एब्नॉमल फॉर्म फॉर द वेरी पर्पज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज डिस्ट्रॉइड वर्क इज़ नॉट वेल एंड कोऑर्डिनेटेड ठीक है फोर्स डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है फोर्थ डिविजन ऑफ लेबर है जब आप बेसिकली आपको वो काम करना पड़ रहा है जो आप नहीं करना चाहते हो देखो हो फ डिवीजन ऑफ लेबर टू जनरेट सॉलिडारिटी इट इज नॉट ओनली सफिशियंट दैट ईच इंडिविजुअल हैज अ स्पेशलाइज टास्क इट इज स्टिल नेसेसरी दैट दिस टास्क इज अप्रोप्रिएट फॉर हिम ठीक है डिवीजन ऑफ लेबर आप बोल रहे हो कि यूनिटी वट होल्ड सोसाइटी टुगेदर उसका आंसर ने डिविजन ऑफ लेबर में कहा यूनिटी हो रही है ठीक है लेकिन यूनिटी होने के लिए ज़रूरी है आप वही काम कर रहे हो जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है अगर आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ऐसा मशीन के सामने बिठाया जाए कि मशीन को बस ऑन ऑन ऑफ ऑफ करना यही आपका काम है तो कहीं ना कहीं जो आपका डिवीजन ऑफ लेबर का जो पर्पस था यूनिटी वो खत्म हो रहा है अब आप, आप थोपी जा रही है डिवीजन ऑफ लेबर ये भी कब होता है जब स्पेशलाइजेशन जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है फोर्स डिविजन ऑफ लेबर रिजल्ट है दो स्ट्रक्चरल कंडीशन का इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क इज नॉ इन कॉरेस्पॉन्डेंस विदिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैलेंट एंड विल ठीक है आपको ना चाहते हुए भी कोई काम करना पड़ रहा है सच डिविजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन इन इक्वालिटी ऑफ ऑपर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू दुर्खेम एंड फेल्स टू प्रोड्यूस लॉन्ग लास्टिंग सॉलिडारिटी ठीक है दुर्खेम के अकॉर्डिंग ये भी आपको सॉलिडारिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी आपको एक रीजन बोल सकते हो क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है अपना टैलेंट दिखाने के लिए तो बस आपको अपना पेट पालने के लिए ऐसा काम करना पड़ रहा है जो आपके Will के और आपके टैलेंट के अगेंस्ट जा रहा है तो ये आपको सोलिडॅरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा आप फ्रस्ट्रेटेड एंड अनहैप्पी रहेंगे हमेशा अपनी सोसाइटी से अपने काम से और अपने आप से भी नॉर्मल डिविजन ऑफ लेबर एक्सप्लेन करता है वाई देर वॉज सिचुएशन ऑफ केयर्स इन यूरअप एट दैट टाइम डिस्पाइट हिज क्लेम दैट डिविजन ऑफ लेबर ब्रिंग्स इंटीग्रिटी इन सोसाइटी ठीक है तो यही एबनॉमल डिविजन ऑफ लेबर जैसे अब ट्रांजिशन हो रहा है सोसाइटी में फ्यूडलिज्म से आप कैपिटलिज्म में जा रहे हो रिलीजन से आप सेक्यूलरिटी की तरफ जा रहे हो यही सब हो रहा था ना यूरोप में वो उस टाइम पे जो हमने पढ़ा है जब इमरजेंसी सोशोलॉजी हुई थी तो क्या हो रहा है बेसिकली आप फार्मर हो आपका एक्सपर्टीज वो है लेकिन अब आप मजदूर अब एक फैक्ट्री में काम करो आप मशीन को बस मशीन का पुली घुमा रहे हो पूरे दिन आप पुली घुमा रहे हो यही आपका काम है तो कहीं ना कहीं अब नॉर्मल डिविजन ऑफ लेबर हो रहा है ठीक है फोर्स डिविजन ऑफ लेबर हो रहा है आप पे ठीक है एक एनोमिक सिचुएशन आ गई है सोसाइटी में क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर कोई ऐसे जैसे पहले आप किंग आपको कंट्रोल करते थे अब किंगशिप खत्म हो गई है फाइन किंग्स का रूल खत्म हो गया है पहले आपको पोप के पास आप जाते थे चर्च के अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी नेक्स्ट आपको पता चला कि चर्च पोप सब खत्म हो गया है अब सब इक्वल है फाइन अब आप कहाँ जाओगे तो इसने सोसाइटी में एक अनइजीनेस और एक इनॉमिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट की थी इकोनमी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि इंडिविजुअल आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है उस पर ध्यान देने का किसी के पास टाइम नहीं था तो ये सब सारी एबनॉर्मल डिविजन ऑफ लेबर जो है ये एक्सप्लेन करता है वो के क्यों था तब यूरोप में फाइन, जब ये सारे ट्रांजेक्शन हम देख रहे थे अकॉर्डिंग टू दुर्खेम जो डिवीजन ऑफ लेबर है मस्ट बी के नॉर्मल स्टेट एंड देयर मस्ट बी सम मैकेजम टेक केयर ऑफ एव नॉर्मल फॉर्म दुर्खेम ने कंसेप्ट दिया सोशल स्टेट का इन्वेस्ट डिविजन ऑफ लेबर विल बी इन द नॉर्मल स्टेट बाई लार्ज नंबर ऑफ ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन

वगैरह वो लेके आएगा जो आपके डिविजन ऑफ लेबर को भी रेगुलेट करेगा एक एथिकल कोड होगा जो हर ऑक्युपेशन का एक एथिकल कोड होगा फाइन और उसके लिए एक ऑक्युपेशनल एसोसिएशन होंगी उन एथिकल कोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इससे क्या होगा आपका जो डिविजन ऑफ लेबर है वो चेक में रहेगा एबनॉर्मल नहीं होगा तो उन्होंने एक पॉजिटिव सोल्यूशन दिया था एक एथिकल कोड कोरस्पॉन्डिंग टू दियर ओन ऑक्युपेशन ठीक है इस आ, चीज में इस चीज़ को ए, आ, एक एक जेन्यून सोल्यूशन दिया था लेकिन मार्क्स ने एक रेडिकल सोल्यूशन दिया था कि वो रिवॉल्व वगैरह की बातें की थी दुर्खेम लीड दैट द सल्यूशन कैन बी प्रोवाइडेड विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी ठीक है जैसे कोड एथिकल कोड वगैरह के रूप में सेल्फ इंटरेस्ट विच डोमिनेट्स बिजनेस एंड कॉमर्स शुड बी रिप्लेस बाई कोड ऑफ एथिक्स विच इम्फिस द नीड्स ऑफ सोसाइटी एज ए होल तो वो जो कोड ऑफ एथिक्स है उनमें आपको किस पे ध्यान देने की जरूरत है सोसाइटी के नीड्स एज ए होल पे और ना कि इंडिविजुअल और सेल्फ इंटरेस्ट इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया टॉप डाउन थ्योरी टॉप डाउन होता है जो ऊपर के इंटरेस्ट जैसे आपके पहले रिच क्लासेस हो गई ठीक है फिर लास्ट में पुअर क्लासेस तो ये अगर आप टॉप डाउन अप्रोच देखो तो ये ऊपर से स्टार्ट होके नीचे तक आता है अगर आप बॉटम टू तो टॉप वाला अप्रोच देखोगे तो उसमें क्या होता है आप पहले छोटे वाले तबके की बात करोगे उसके बाद बॉटम अप अप्रोच उसके बाद आप जो ऊपर वाले तबके हैं वहां तक पहुंचोगे ठीक है

एंड द प्लेस इकनोमिक फैक्टर्स ग्रेट इम्पोर्टेंस एन टू डिज ग्लोबलाइज्ड वर्क एंड न्यू लिबरल्स वुड इवन आगू दैट इकनोमिक्स एंड नॉर्थ द इटीग्रेटिव नीड ऑफ सोसाइटी प्लेज लार्जस्ट रोल इन डिसडिंग दी पैटर्स ऑफ डी ओवेल इन सोसाइटी न्यू लिब्र क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो नीड ऑफ इकनॉमिक्स जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर को डिसाइड करता है पैटर्न क्या होगा डिवीजन ऑफ लेबर का सोसाइटी में आपकी इकनॉमी डिसाइड करेगी ना कि आपका इंटीग्रेटिव नीड अभी जो न्यू लिबरल्स है कौन है ये वो है जो कहते हैं गवर्नमेंट की मिनिमम इंटरफेरेंस होनी चाहिए आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह डी रेगुलेशन प्राइवेटाइजेशन इसको सपोर्ट करते ठीक है अब ये देख लो डिवीजन ऑफ लेबर दुर्खेम भी हमने पढ़ लिया डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ लिया काल मार्क्स भी पढ़ लिया अब ये जो डिफरेंसेज है यूल गो थ्रू दिस डिफरेंस कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे मेल भी कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसको समझने में अगर आपको कोई भी इशू आएगा पर ये चीज मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ ये आपके लिए होमवर्क है कोई चीज़ आप खुद भी कर लो ठीक है और ये सारी चीजें जो है वी हैव ऑलरेडी डिसकस्ड दिस थिंग्स तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गिव अ थम्स अप लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे